खरियो तो उस पाखंडी ने बीड़ा उठाया है उस नशेबाज की लत छुड़ाने का। हाँ सरकार, और अगर वो फकीर इसमें कामयाब हो गया तो आपकी तो पूरे गांव के सामने नाक कट जाएगी। हाँ सरकार, सब यही कहेंगे कि देखो कुलकर्णी सरकार जिसकी दारू की दवा न कर पाए उसे उस फकीर ने सही कर दिया। बात तो आपने ठीक कही पंता जी। माफी सरकार, मेरा वो अर्थ नहीं था। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता था कि लोग तो यही कहेंगे कि वो पाखंडी फिर से जीत गया, कुलकर्णी सरकार फिर से हार गए। मूर्ख, किस बात के पैसे देता हूं मैं तुम्हें, मेरा हाथ बटाने के या ताना मारने के? माफी चाहता हूँ सरकार, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता था कि आप समय की गंभीरता को समझिए। चुप, एकदम चुप। हमारी बिल्ली हमसे म्याओ तो संता तुझे लगता है मुझमें बुद्धि नहीं रही, विवेक नहीं रहा, परिस्थिति की गंभीरता का आकलन करने की क्षमता नहीं रही मुझमें। मूर्ख है तो मूर्ख, जब तू वहां अपना समय नष्ट कर रहा था तभी मैंने यहां उस पाखंडी को धूल चटाने की योजना बना ली थी। सरकार, आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमने आपको अभी खबर दी उस फकीर के बारे में तो आपने पहले से योजना कैसे बना के रखी थी? चूहे, तुझे क्या लगता है जब तू मुझे आके बताता है तभी मुझे पता चलता है? शिरडी में जब पत्ता भी गिरता है ना तो उसके गिरने की भनक मिलती है मुझे, समझे? सरकार, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। वैसे सरकार आपकी योजना क्या है? हाँ, हरि ओम, ये तो पीछे ही पड़ गया पर मैं भी इसका पाप हूं। संता को अपनी उंगली पर नचाने का एकमात्र उपाय है कि इसे उसकी औकात में रखा जाए। इसे आभास करते रहना आवश्यक है कि इसकी सोच से मैं चार कोस आगे की सोचता हूं। क्यों बताओ मैं तुम्हें अपनी योजना, मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और वैसे भी किस बात के पैसे देता हूं मैं तुम्हें? चल बता, इस स्थिति में अगर मैं तुझसे सहायता मांगू तो किस प्रकार की सहायता करेगा तू, बता। सरकार, मैं जाकर उस पर दबाव बनाऊंगा कि वो आपसे लिया हुआ ऋण आपको वापस जल्द से जल्द लौटाए। मुझे पता था तू इससे आगे सोच ही नहीं सकता संता। ठीक है, तो आप ही बता दीजिए सरकार। कोई भी आदमी अधिक शराब तब पीता है, नशे की शरण तब लेता है जब कोई बड़ी चिंता उसे खाए जा रही हो। इसका अर्थ काशीनाथ की चिंता हमें बढ़ानी होगी। जाकर उसे बताओ कि अगर उसने मेरा ऋण नहीं चुकाया तो उसके घर पर मैं अधिकार कर लूंगा, उसका घर छीनने की धमकी दो, उसे हाथ पांव तोड़ने की धमकी दो। ऐसे में तो वो मेरे पैसे नहीं चुका पाएगा और ना ही वो पाखंडी उसकी कोई आर्थिक सहायता कर पाएगा।
अपने डर से, अपनी चिंता से भागने के लिए काशीनाथ को फिर से शराब की शरण में जाना होगा। हरिओम। पर सरकार, मैंने भी तो यही कहा था। क्या कहा था तुमने? तेरी सोच इतनी सी है, इतनी इतनी सी। मैं बहुत आगे की सोचता हूँ, आगे की। तूने तो केवल खेल शुरू करने वाली चाल सोची है, मैंने तो खेल जीतने की अंतिम चाल तक तय कर ली है। यही फर्क होता है अज्ञानी और ज्ञानी में, क्या समझे? इसलिए कहते हैं गुरु गुरु होता है और चेला चेला। अब जाकर ये सुनिश्चित करो कि काशीनाथ को शराब की कोई कमी ना हो। उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। अब देखता हूं वो पाखंडी कैसे सफल होता है अपनी योजना में। कुछ समझे गधे? हरिओम। मेरी योजना सरकार की योजना से कैसे अलग थी? सीधे हाथ से पकड़ो या घुमा कर? पकड़ा तो कान ही ना, दबाव मैं भी डालने को कह रहा हूँ और सरकार भी, फिर भी सरकार ने मुझे गधा कहा। दादा, इतनी सारी दरिया, आज कुछ है क्या? मैं कुछ मदद करूं? आज पूर्णिमा है, मैं सोच रहा था कि आज रात गांव वाले या इकट्ठा होकर भजन कीर्तन करेंगे, उसी के लिए दरी बिछानी। आज रात? हाँ, आप भी शामिल होंगे ना? लेकिन यहाँ भजन कैसे हो सकता है? मैंने अभी अभी गुरुचरित्र का पाठ शुरू किया है और मुझे पाठ करने के लिए शांति चाहिए। आज यहाँ कोई भजन कीर्तन नहीं होगा। लेकिन रामदासी जी, मैं गांव वालों को बोल चुका हूँ और सभी लोग आने के लिए तैयार हैं। मैं वो सब नहीं जानता। जब साई बाबा ने हमें यहाँ ठहरने के लिए कहा था तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि मुझे यहाँ पोथियों का पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुझे पता होता कि साई बाबा झूठ बोल रहे तो मैं यहाँ रुकता ही नहीं। आपकी आपत्ति बिल्कुल जायज है रामदासी जी। लेकिन साई है दादिया, रामदासी बुआ कह रहे हैं कि इन्हें ईश्वर का ध्यान करने के लिए एकांत की आवश्यकता है, इसलिए हमारा एक कर्तव्य है कि इन्हें ईश्वर के करीब लाने में इनकी मदद करें। इन्हें पोथियों को पढ़ने देना चाहिए। हम सब तो मन में भी ईश्वर का नाम ले सकते हैं, खुद को मालिक के करीब महसूस कर सकते हैं। भजन कीर्तन की क्या आवश्यकता है? ठीक है साईं, जैसा आप उचित समझे, मैं गांव वालों तक सूचना पहुंचा दूंगा। मन में साई के क्या है कौन जान पाए, ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम
ये बुआ की इन बेतुकी मांगों को साई क्यों मान रहे हैं? ये तो मैं नहीं जानता, पर साई मान रहे हैं तो जरूर कोई तो कारण होगा। आई, जल्दी से खाना बनाओ ना, बहुत भूख लगी है। घर में हो क्या? अरे ललिता बहनी, आप? नमस्ते। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अब भाई, तुम लोग तो हमें अपना समझते नहीं, लेकिन हम तो इस परिवार को अपना परिवार ही समझते हैं। भोला के लिए कुछ लाई हूँ। परसों पूरन पोली बनाई थी, अब घर में तो सारे खा खा कर थक गए। इतनी अच्छी पूरन पोली फेंक तो नहीं सकती, तो सोचा तुम्हें दे दूं। भोला को बहुत पसंद है ना? काशीनाथ भाऊ तो अपने सारे पैसे शर अपने शौक पूरे करने में खर्च कर देते हैं ना, तो तुम लोग को पूरन पोली कहां नसीब होती होगी? अरे देख क्या रहा है बेटा, तेरे लिए तो है। हे भगवान, कैसी दुविधा है मेरी। पति के मन की रक्षा करूं या मेरे बच्चे का पेट भरूं? ले ले। काशीनाथ भाव कैसे है? ये और मामा जी कह रहे थे कि काशीनाथ भाव अब किसी के नियंत्रण में नहीं रहे, अपनों का लिहाज भी नहीं करते। जिस भाई के इतने एहसान हैं, उन पर उनके हाथ कैसे उठ गए? हमें देखो, काशीनाथ भाव हमारे साथ मारपीट करते हैं, बेइज्जती करते हैं हमारी, यहां तक कि खंडनवमी की पूजा से हमें बेदखल करने की कोशिश भी की उन्होंने। उसके बाद भी मैं यहां तुम लोगों का हालचाल पूछने आई, और शिवा के बाबा ने भी मुझे यहां आने से नहीं रोका, क्योंकि आखिरकार है तो एक ही परिवार। और काशीनाथ भाव तो पता नहीं काफी सब समझेंगे। अमन जी तो कह रहे थे कि अगर काशीनाथ भाव में जरा भी शर्म होती ना, तो डूब मरते किसी कुएं में कूद कर। बहनी, ये आप क्या कह रही हैं? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये बता रही थी कि मामन जी ने क्या कहा। अच्छी लगी? हाँ, जा अब बाहर जाके खेल। बाहर शिवा भी है अपनी साइकिल के साथ। असल में शिवा के बाबा नगर गए थे ना, तो उसके लिए नई साइकिल लेकर आए हैं। ये बाहर चला रहा है। जा, तू भी जाके देख। काश तुझे भी ऐसा पति मिलता जो अपने परिवार का ख्याल रखता। शिवा के बाबा भी नगर गए थे ना, तो घर में हम सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आए। मामन जी के लिए नया कुर्ता, शिवा के लिए साइकिल, और मेरे लिए ये सोने के कंगन। सुंदर है ना? शिवा के बाबा कह रहे थे जब अगली बार नगर जाएंगे
तो इन कंगन से मिलता जुलता हार भी लेकर आएंगे। सब किस्मत की बात है रेनू। देखना, हम दोनों की एक ही घर में शादी हुई, लेकिन तू कितने कष्ट में है। इसके दुख से द्रवित होकर साई की आंखें आंसू बहा रही हैं। देखा बोला, है ना सुंदर साइकिल, तुम्हें चलाने आती है? हाँ, इसे चला कर ही तो मैं यहाँ लाया हूँ। मुझे भी सिखाओगे? ठीक है, सिखा दूंगा, पर तुम सिक्के करोगे क्या? तुम्हारे पास तो साइकिल नहीं है, ना ही तुम्हारे बाबा खरीद पाएंगे, क्योंकि तुम गरीब हो। गरीब? हाँ, मेरे बाबा कहते हैं कि तेरे बाबा कुछ ही नहीं करते, दिन भर बुरी आदतों में समय बर्बाद कर देते हैं। तू तो सिर्फ गिली डंडा ही खेल। मुझे नहीं चलानी तुम्हारी सारी साइकिल। वैसे भी प्रहलाद के पास इससे भी अच्छी साइकिल है, और वो मुझे सिखाता भी है। तुम ही रखो अपनी घटिया साइकिल और जाओ यहाँ से। आई आई, जल्दी आओ। और शिवा, और क्या हुआ बेटा, लगी तूने? आई इसने मुझे मारा। नहीं, मैं इसे गिराना नहीं चाहता था। चुप कर। एक तो इसे गिरा दिया, ऊपर से झूठ बोल रहा है। देख रही है रेनू, लक्षण दिख रहे हैं। शराबी का बेटा मारपीट ही तो करेगा। वहीनी, चल बेटा, हम तो यहाँ भलाई करने आए थे, पर इन्हें बुरे की आदत है तो हम क्या करें। मेरी गलती नहीं थी, वो अनप सनप जो भी मन में आया और बोल रहा था, और बाबा को भी बुरा बुरा कह रहा था। साई, किसके दुख ने तुम्हें इतना दुखी कर दिया है? मैंने आपसे कहा था ना भाईसाहब, जितनी परीक्षा नशा करने वाले को देनी होती है, उतनी ही उसके अपनों को भी देनी पड़ती है। किसी मासूम पे दुख आते हैं तो दिल तो भर ही आता है ना, और अगर वे कष्ट अभी खत्म होने वाले ना हों तो पीड़ा और ज्यादा होती है। नियति का लिखा सबको भोगना ही पड़ता है भाईजामा। इंसान को अपने हिस्से का दुख भोगना ही पड़ता है, सुख पाने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। मुसीबत के वक्त सबूरी से बड़ा शस्त्र कोई नहीं। राम जी तुम्हें भी इसकी शक्ति दे रहे हैं। भोला, बाहर क्या दिख रहा है? आजा अंदर आजा, जल्दी से खाना खा ले और सो जा। नहीं आई, अभी नहीं। क्यों?
तू तो हर रोज जल्दी खाना खाकर सो जाता है ना? हाँ आई, लेकिन आज नहीं, बाबा को आने दीजिए उसके बाद। लेकिन तेरे बाबा तो? जानता हूँ आई, लेकिन आज उनसे बात के बिना मैं नहीं सोने वाला। बोला यहाँ। तुझे डर नहीं लगेगा? शायद लगेगा, पर बात करनी भी तो जरूरी है बाबा से। संता जी और पंता जी भी। मुझे देखकर तो सांप सूंघ गया होगा ना? तुझे हम गांव में ढूंढ रहे और तू यहाँ पर ऐश कर रहा है? नहीं। झूठे मक्कार, तेरे पास शराब पीने के लिए पैसा है और सरकार का कर्जा चुकाने के लिए पैसा नहीं है। उनका सारा कर्जा बहुत जल्दी चुका दूंगा मैं, बस थोड़ी मोहलत। पक गया हूँ मैं, तेरे ये शब्द सुन सुनकर पक गया हूँ कि मोहलत दे दो, मोहलत। सुन, हम तो तेरे परिवार को देखकर धैर्य बनाए हुए हैं कि अगर तूने कर्जा नहीं चुकाया तो हम तेरे बाप से वसूल करेंगे। पर अब तो तेरे बाप ने भी तुझसे रिश्ता तोड़ दिया है। जिस व्यक्ति के बाप ने उससे रिश्ता तोड़ दिया हो, उस पर विश्वास ना करता हो, तू क्या सोचता है कि कुलकर्णी सरकार उस पर विश्वास करेंगे? एक हफ्ते का समय है तेरे पास, सरकार की पाई पाई ब्याज समेत लौटा दे। सारे पैसे एक हफ्ते में मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? ये तो कर्जा लेने से पहले सोचना था ना। कान खोलकर सुन, ठीक आज से 8वें दिन तक अगर तूने पैसे नहीं दिए तो हम तेरे घर की एक एक ईंट नीलाम कर देंगे। और यही नहीं, तेरे बच्चे और तेरी पत्नी को हम बंधुआ मजदूर बना लेंगे। याद रखना। तेरे बच्चे और तेरी पत्नी को हम बंधुआ मजदूर बना लेंगे। ठीक आज से 8वें दिन तक अगर तूने पैसे नहीं दिए तो हम तेरे घर की एक एक ईंट नीलाम कर देंगे। पंता जी, हमारा तीर तो बिल्कुल निशाने पर लगा है। हाँ संता जी, संता जी, हमने इसके मन में इतना डर बैठा दिया है कि ये आप पैसा चुकाने के लिए परेशान हो जाएगा।
सही कह रहे हो पंता जी, कर्जे से ध्यान हटाने के लिए खूब शराब पिएगा, दिन रात नशे में चूर रहेगा। और सरकार को उस फकीर साईं को नीचा दिखाने में सफलता मिल जाएगी। पंता जी, देखो। हाँ हाँ, आपकी टोपी। चलिए 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 चलिए। मुझे एक बात बताइए, दुनिया में सबसे धोखेबाज कौन होता है? धोखेबाज वो शासक जो अपनी प्रजा का ध्यान ना रखता हो। साई, वो जो अपने परिवार के साथ विश्वासघात करे, वो सबसे बड़ा धोखेबाज। आपका क्या विचार है बुआ जी? अभी देख के बताता हूं, इन पोथियों में उत्तर जरूर लिखा होगा। इसका जवाब पोथियों में नहीं मिलेगा बुआ जी। संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर इन पोथियों में ना हो। कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए जिंदगी को पढ़ना पड़ता है। इंसानों को परखना पड़ता है, ना कि वेद पुराणों को। आपने जिंदगी को बहुत पढ़ा है, तो फिर आप ही बताइए क्या उत्तर है। सबसे बड़ा धोखेबाज होता है नशा। नशा ये चढ़ता तो है सुख का रूप धर के, पर कभी किसी को सुखी नहीं करता, केवल दुखों पर पर्दा डाल देता है। और ऐसा करके हमें यथार्थ से दूर ले जाता है। अगर हम अंधेरे में चलें और हमें रास्ते का पत्थर ना दिखे, तो इसका ये मतलब नहीं कि पत्थर नहीं है। जब भी पत्थर से ठोकर लगेगी तो हम गिरेंगे, चोट लगेगी, नुकसान भी होगा हमारा, ऐसे अंधेरे का क्या फायदा। फिर भी जख्म को ठीक करने के लिए इंसान दवा का नहीं, नशे का सहारा लेता है। आप सही कह रहे हैं साईं, लेकिन यह अचानक नशे की लत की बात क्यों? हम में से तो कोई भी नशा नहीं करता, सब घर गृहस्थी वाले हैं साईं। नशे की लत का घर गृहस्थी से क्या संबंध? ये तो एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। इसीलिए सावधान रहने में ही बुद्धिमानी है।